Audio Jungle. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं विद ब्लॉक के साथ, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी आईडी को खोलता हूँ और आपको इसके नोट्स और कोड्स दोनों मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन तो बिल्कुल मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, विद ब्लॉक टू रीड फाइल विद, इसके और काफी एडवांटेज होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए भी इतना ही जानना सफिशियंट है। फिर ओपन फंक्शन का यूज करके फाइल का नाम लिख के .txt और एज एफ लिख देता हूं। अब मैं अगर प्रिंट कर दूं एफ डॉट रीड को, तो ये देखिए सब कुछ मेरा रीड होके आ गया। मतलब जो मैं वहां पे कर रहा था, यानी कि पीछे कर रहा था इस तरीके से ओपन फंक्शन का यूज करके फाइल का नाम, उसके बाद ये, अब मैं इसे इस तरीके से भी कर सकता हूँ विद का यूज करके। और जनरली आपको देखने को मिलेगा कि लोग या एडवांस प्रोग्रामर इसी तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से फाइल को ओपन करते हैं और इसी तरीके से वर्क को करते हैं। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज होता है नो नीड टू क्लोज, यानी कि आपको कोई जरूरत नहीं है क्लोज करने की। ठीक है, नो नीड टू क्लोज। अब इसका एग्जांपल देता हूं क्यों। अगर मैं यहां पर लिख दूं प्रिंट एफ डॉट क्लोज्ड, तो आपको देखिए यहां पे मैंने कहीं क्लोज स्टेटमेंट नहीं लिखी, पर जब मैं इसे रन करूंगा ट्रू बोल देगा, ये बाय डिफॉल्ट क्लोज कर देता है। ठीक है, सेकंड होता है कि फाइल आपकी डैमेज नहीं होगी, अगर डैमेज होगी तो हमारा जो कॉन्टेक्ट मैनेजर होता है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, वो फाइल को खोलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका एक एडवांटेज ये होता है यहाँ पे, तो ये इसका एडवांटेज है। और आगे भी मैं इसका काफी ज्यादा, अगर आपको लगता है, अगर मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट है और ज्यादा आपको बताना तो मैं बता दूंगा, लेकिन विद के साथ आपको इतना ही जानना जरूरी था कि विद के यूज से आप इस तरीके से फाइल को ओपन कर सकते हैं, इसी तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। अगर फाइल में कॉन्टेक्स्ट मैनेजर जो भी होता है, ठीक है, वो सब कुछ हैंडल करता है फाइल के अंदर जो भी होता है, तो इसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो विद ब्लॉक के लिए छोटी सी वीडियो थी, थैंक यू वेरी मच।